तो इस किसान आंदोलन में अब तक 200 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। इन किसानों की याद में टीकरी बॉर्डर की एक जगह पर अमर ज्योति की स्थापना की गई है। ये अमर ज्योति दिन रात जलती रहती है। शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस अमर ज्योति पर रोजाना बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होते हैं। अमर ज्योति आंदोलन खत्म होने तक जलती रहेगी और इस अमर ज्योति की इस जगह पर आंदोलनकारी एक किसान शहीद स्मारक बनाना चाहते हैं। और इस तरह की खबरें हम देख रहे हैं कि तमाम बॉर्डर से भी मिल रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगातार किसान एक शहीद स्मारक बनाने की बात कर रहे थे। तो अब देखना होगा कि किस तरह से आगे इस पर काम होता है। लेकिन फिलहाल अगर हम टीकरी बॉर्डर की बात करें तो यहां पर भी इसी तरह की मांग किसान करते नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन में अब तक 200 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है। कई किसान जो है वो सर्दी की वजह से उनकी मौत हुई है, तो कई किसानों ने आत्महत्या भी की है। इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और मैं टीकरी बॉर्डर से आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूं जहां पर रोज़ाना शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। देखिए, एक जगह यहां पर बनाई गई है, अमर ज्योति यहाँ पर उन किसानों की याद में शुरू की गई है जो किसान आंदोलन के दौरान जिनकी जान चली गई है। देखिए, उनके बाकायदा यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई है और एक अखंड ज्योत यहाँ पर 24 घंटे चलती है। दरअसल ये जो जगह आप देख रहे हैं ये हरियाणा पंजाब भाईचारा का टेंट है और यहाँ पर ये लोग इस तरीके से रोज़ाना यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। 24 घंटे ज्योत जलती है, सर्दी आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन ये ज्योत ये किसान कभी बुझने नहीं देते हैं। रोज़ाना यहाँ पर इन किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए अच्छी खासी तादाद में किसान आते हैं। यहाँ आप अभी भी देख सकते हैं कि बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ अपने साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इसी तरीके से इकट्ठा होते हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, किसानों से, कब से ये ज्योत जल रही है और इसका मकसद क्या है। जी, ये 20 दिसंबर से ज्योत जल रही है, दिन रात 24 घंटे प्रतिमा जली रहती है। शुरू में अपने भाई शहीद हुए थे, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। अब 200 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं, उसको बैनर कम बढ़ाएंगे, अभी लगाएंगे यहाँ पर। हरियाणा पंजाब भाईचारा दिन रात इसकी सेवा में लगे रहते हैं। हमारे इनकी श्रद्धांजलि में हम दिन रात यहाँ पर इनकी चरणों में रहते हैं और बार बार दूर दूर से लोग आते हैं, वो इनकी श्रद्धांजलि दे के जाते हैं। लोग शहादत को भूले ना, इनके योगदान को भूले ना, इसलिए आप लोगों ने ये पहल की है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा आपके चैनल का, आप हमारे आंदोलन की सच्चाई दिखाने के लिए आप ग्राउंड पर आए हो। और एक बात और कहूँगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपने स्टार्टिंग में जब चालू किया था कैमरा तो आपने बोला था भाई कई किसानों ने आत्महत्या भी करी है। आत्महत्या शब्द यूज मत करो, आत्महत्या बुजदिल लोग करते हैं, किसान बुजदिल कौम से नहीं है। उन किसानों ने जो आप कह रहे हो आत्महत्या की, उन्होंने बलिदान दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज छोड़ने का ये कोशिश की है कि भी हम मजबूर हैं, हम इतने दिन से यहाँ पे सर्दी के अंदर बैठे हैं, कड़कती पाड़े पोंगे पाड़ा में यहाँ पे बैठे थे, तो ये मैसेज देने का उन्होंने कोशिश का प्रयास किया था कि भाई हम बुजदिल नहीं है। लेकिन वो अंदर अंदर कहीं ना कहीं दुखी थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। देगा त्याग करना कोई छोटी बात नहीं होती। बहुत 400-500 हज़ार साल पहले जो ऋषि मुनि हुआ थे वो देगा त्याग करते, लेकिन आज के दिन भी किसानों किसान कौम में ऐसे आदमी बैठे हैं जो अपनी देगा त्याग करते हैं। बलिदान सबसे बड़ा बलिदान जो होता है, और इस बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे कभी भी। यही बलिदान हमारी रगों के अंदर दौड़ता है और यही हमारे को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देता है। कब तक ये ज्योत जलेगी ऐसे? जब तक लगातार आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये अखंड ज्योत जलती रहेगी, भले शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, देश पर मिटने वाले को यही आखिरी निशान होंगे। ये हमारे आदर्श है, ये हमारे दूसरे छोटू राम है। जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक अखंड ज्योत चलती रहेगी, चाहे कितनी शहादत हो जाओ। बैनर बन भाई ने बताया था, बैनर बनना दे रखे, बड़ा बैनर बन गा जाओ, उनके लिए भी अखंड जो चालू रहेगी, शुरू से चल रही है, लास्ट तक चलती रहेगी, जब तक सरकार नहीं मानेगी। जब तक आंदोलन चलेगा तब तक ये जो जलती रहेगी। आंदोलन के बाद भी यहाँ कुछ बनाने की सोच रहे? आंदोलन तो बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि सरकार को इन बातों पता चल गया। सरकार ने जो हमारे साथ में प्रोपगंडा खेल चालू कर रखा था, जो अभी सदन में चल रहा था, संसद में अभी सदन चला हुआ था, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, कई लोगों ने गाली देते हैं लेकिन वो प्रधानमंत्री पद हमारे लिए सम्मानित है और उन्होंने हमारी बातों को देखा है, अभी करीबी से देखा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री पीएमओ सीएमओ वगैरह होते थे वो झूठी रिपोर्ट उनके पास में भेजते थे, लेकिन अब उनको सच्चाई से वो रूबरू हुए जब संसद भवन के अंदर सदन चला था और विपक्ष में जितने भी नेता थे, जो किसानों ने पक्ष में बोले थे, किसानों की सच्चाई जी ने रोते हुए दर्द से बयां करी थी संसद भवन के अंदर, अभी उनको ये पता चला कि किसान कितने दर्द के अंदर बैठे हैं और वो जल्दी इसका समाधान करें, आंदोलन लंबा नहीं चलेगा। कोई स्मारक बनाने का भी क्या विचार है? स्मारक बनाओगे, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं वे जैसे हमें आदेश देंगे, उसी प्रकार से इसका पूरा सेटअप तैयार किया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं, बने यहाँ? हम तो चाहते हैं कि इनकी याद में
इन्होंने इतने बड़े आंदोलन के अंदर साथ दी है तो इनका कहीं ना कहीं समर्थन बढ़ना चाहिए। बाकी हमारे नेता जो फैसला करेंगे वो हमारे सामने होगा। बिल्कुल, जिन किसानों की मौत हुई है उनको ये किसान ये मानते हैं कि उन्होंने इस आंदोलन में अपनी आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है और उनका ये बलिदान किसान व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ऐसा ये किसान कह रहे हैं। और ये कहना है इन किसानों का कि ये जोत जब तक जलती रहेगी जब तक आंदोलन चलेगा। और इनके मन की ये भी इच्छा है कि इन किसानों की याद में यहाँ पर एक स्मारक भी बनाया जाए। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, टीकरी बॉर्डर।